हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। इसमें हम लोग अध्याय 5 पढ़ेंगे। आज हम लोग वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत। नोट्स के साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। कमेंट कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, उस पर आपको नोट्स मिलेंगे जैसे चैप्टर खत्म होगा। सबसे सिंपल विधि से, जी हाँ, मैंने इस पर 4-5 वीडियो बनाए थे तो बच्चों का कमेंट आया कि सर थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है, लेकिन इसीलिए मैंने रिवाइज, जी हाँ, उसको आप देख लीजिए, उसको प्लेलिस्ट में जोड़ा गया। लेकिन इसको अध्याय 5 मैं फिर से वहां पे शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि 4-5 वीडियो इस पे बने थे 10-10 मिनट के। आज मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, नहीं आएगा तो आपको बताना, विद नोट्स के साथ एक एक हेडिंग आपको समझ आएगी, दिमाग में आपके घुसेगा और ये एग्जाम में 100% से और आते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हमारा क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का है, वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत से हमारा प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें जो पहली हेडिंग आती है वो आती है वंशागति या अनुवांशिकता। पहली हेडिंग क्या आती है? वंशागति, वंशागति या अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, वंशागति या अनुवांशिकता हमारी इसमें पहली हेडिंग आती है। तो हम जानते हैं कि वंशागति या अनुवांशिकता होती क्या है। तो देखिए, जो हमारे अनुवांशिक लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, मान लो किसी भी बच्चे में है तो बच्चों से कहाँ पे जाते हैं? जनक में जाते हैं। मान लीजिए ये हमारे जनक है, ये हमारे क्या है? जनक है। और जनक से कहाँ पे जा रहे हैं? किसी बच्चे में जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की जो क्रिया होती है उसे ही हम वंशागति या अनुवांशिकता कहते हैं। तो अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया वंशागति या फिर अनुवांशिकता कहलाते हो। तो यहां पर लिख सकते हैं अनुवांशिक, अनुवांशिक, अनुवांशिक लक्षणों का, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया या फिर पहुंचने की क्रिया, की क्रिया वंशागति, वंशागति या अनुवांशिकता कहलाती है, या क्या कहलाती है? अनुवांशिकता कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, कहलाती है। तो वंशागति या फिर अनुवांशिकता होती क्या है? जनकों का एक पीढ़ी से या फिर अनुवांशिक लक्षणों का, जो लक्षण इसमें रहेंगे इसके इसमें जाएंगे बच्चे में, इसके लक्षण इसमें जाएंगे तो हमारा यही क्या कहलाता है? वंशागति या फिर अनुवांशिकता कहलाती है। तो अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जाने की क्रिया होती है उसे वंशागति या फिर हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिकता के नाम से जानते हैं। इसके बाद आती है हमारी विभिन्नताएं। क्या आती है? विभिन्नताएं, विभिन्नताएं आती है। तो हम जानते हैं कि हमारी विभिन्नता होती क्या है। तो देखिएगा, विभिन्नताएं क्या होती है? जो जीवधारी होती हैं, जो जीवधारी होते हैं इनके बीच पाए जाने वाले जो अंतर होते हैं उसे विभिन्नता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई भी क्या है? हमारा मेल है, और ये हमारा क्या है? फीमेल है। तो मेल और फीमेल दोनों को देखें तो ये हमारे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमारा जो मेल अलग है और फीमेल अलग है। तो इनके बीच ये हमारे जीवधारी हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई कौवा ले लिया, कौवा जो चिड़िया होती है उसको ले लिया, तो अगर देखें तो ये तीनों क्या हो रहे हैं? अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों हमारे क्या है? ये हमारे जीवधारी हैं। क्या है? हमारे जीवधारी हैं। तो जो जीवधारी होती है, जो जीवधारी होते हैं एक दूसरे से क्या दिखाई देते हैं? भिन्न दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विभिन्नताएँ कहते हैं। तो जीवधारियों का, जीवधारियों का एक दूसरे से भिन्न दिखाई देना ही विभिन्नता कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं, हम जीवधारियों के बीच, जीवधारियों के बीच, जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को, पाए जाने वाले अंतर को, पाए जाने अंतर को क्या कहते हैं? पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। याद रखिएगा, विभिन्नता कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम लोग? विभिन्नता कहते हैं। तो जो जीवधारियों के बीच पाए जाने वाला जो अंतर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? विभिन्नता कहलाता है, ठीक ना। अगर विभिन्नता देखें
तो हमारे दो प्रकार के होते हैं। हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हमारा दैहिक विभिन्नता होता है, एक हमारा क्या होता है? दैहिक, दैहिक विभिन्नता, एक दैहिक विभिन्नता। और दूसरा होता है हमारा क्या? जननिक, जननिक विभिन्नता। पहला तो दैहिक विभिन्नता, दूसरा होता है हमारी जननिक विभिन्नता। तो पहले हम लोग जानते हैं ये हमारी दैहिक विभिन्नता क्या होती है, फिर हम जानेंगे जननिक विभिन्नता क्या होती है। तो देखिए दैहिक विभिन्नता देखें तो जो शरीर, शरीर और आकार, शरीर और किसमें? आकार, शरीर और आकार से क्या दिखाई देते हैं? भिन्न दिखाई देते हैं, उसे हम लोग दैहिक विभिन्नता कहते हैं। और जननिक विभिन्नता क्या होती है? जैसे कि नर और मादा, नर और मादा ये सब हमारे अलग अलग है, क्योंकि नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं। जो जननिक, जननिक रूप से भिन्न होते हैं उसे हम जननिक विभिन्नता कहते हैं। जो शरीर और आकार से अलग दिखाई देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैहिक विभिन्नता के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो विभिन्नता क्या होती है? जीवधारियों के बीच पाए जाने अंतर को, जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले जो अंतर होते हैं उसको विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता दो प्रकार की, दैहिक विभिन्नता और जननिक विभिन्नता, याद रखिएगा मेरे। अगर एग्जाम में आ जाए, अगर यहीं पे हम देख लेते हैं, जो विभिन्नता होती है, ये हमारी विभिन्नता होती है, ये हमारी किस जनन में भी उत्पन्न होती है, तो हेडिंग बना लेते हैं विभिन्नताएं, विभिन्नताएं, विभिन्नताएं किस प्रकार के, किस प्रकार के जनन में उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार के जनन में, जनन में उत्पन्न होती हैं, ये आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन टाइप रखते हैं। तो अगर देखिए जो विभिन्नताएं होती हैं किस प्रकार के जनन में होती हैं, तो हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए जनन, जो जनन क्या होता है, माता पिता अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और इसी संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जनन। तो संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। और जनन दो प्रकार से पाया जाता है। जनन कितने प्रकार से पाया जाता है? दो प्रकार की। पहला पाया जाता है अलैंगिक, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और दूसरा जो पाया जाता है वो पाया जाता है लैंगिक जनन। पहला हमारा पाया जाता है अलैंगिक जनन और दूसरा पाया जाता है हमारा लैंगिक जनन। तो देखिए जिसमें हमारे एक जनक भाग लेंगे, कितने जनक भाग लेंगे? एक जनक। जो जिसमें ऐसी जनन क्रिया जिसमें एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और ऐसी जनन क्रिया जिसमें कितने जनक भाग लें? दो जनक भाग लेते हैं, जिसमें दो जनक भाग लेते हैं उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो जिसमें एक जनक भाग लेते हैं अलैंगिक जनन, जिसमें दो जनक भाग लेते हैं उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि इसमें अमीबा, अमीबा हम देखें तो अगर अमीबा देखें तो अमीबा में एक जनक है और हमारा दो जनक, जैसे कि हमारा नर या फिर कोई भी हमारा कह सकते मानव, मानव में हमेशा क्या होता है? मानव में लैंगिक जनन की क्रिया होती है, क्योंकि मानव में दो जनक लेते हैं, तो मेल या फीमेल दो हमारे जनक भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें एक जनक भाग लेते हैं, जैसे कि अमीबा। अगर देखें अमीबा में एक ही जनक भाग लेता है, यानी कि इसमें हमारा यहाँ पे अमीबा है, अमीबा दो भागों में टूटा, अमीबा दो भागों में टूटा, क्योंकि अकेला ही तो दो संतानें बनाएगी। तो मान लो इसके दो डीएनए है हमारे इस अमीबा में, तो एक डीएनए हमारा इसमें आएगा और एक डीएनए हमारा इसमें आएगा। तो अगर देखें तो अलैंगिक जनन में एक ही प्रकार का डीएनए इसमें भी जा रहा है, एक प्रकार का डीएनए इसमें भी, यानी कि एक कॉपी इसकी इसमें भी आ रही है और एक कॉपी हमारी इसमें भी आ रही है। तो क्या इसमें विभिन्नता पाई जाएगी? बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि जो जनक में है वही तो बच्चों में आएंगे ना। तो हमारी अलैंगिक जनन में विभिन्नता बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी, वहीं पे आएंगे हम लोग। किसमें? हमारा अमीबा है, ये हमारा क्या है? अमीबा। यानी हम कह सकते हैं कि अमीबा में अलैंगिक जनन पाया जाता है और अलैंगिक जनन में विभिन्नता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। तो अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं पाई जाती है, ठीक ना। अब वहीं पे हम लोग लैंगिक जनन की बात करें, लैंगिक जनन को अलग से लिख लेते हैं। तो लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें दो जनक भाग लें उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, यानी कि जिस जनन प्रक्रिया में दो जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक कहते हैं। मान लीजिए एक नर के रूप में भाग लेगा और दूसरा किसके रूप में भाग लेगा?
मादा के रूप में भाग लेगा। नर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। मादा में भी कितने होते हैं? 46 होते हैं। नर और मादा, देखिए लैंगिक जनन ऐसी जन प्रक्रिया जिसमें दो जनक भाग लेते हैं, जैसे कि मानव, तो नर और मादा हमारा अलग अलग लेंगे। इसमें कितने गुणसूत्र? 46। इसमें कितने गुणसूत्र? 46। नर से हमारा क्या पल तैयार होता है? नर युग्म बनता है। क्या बनेगा? नर युग्मक। और यहां पर भी हमारा क्या बनेगा? यहां पे हमारा बनेगा मादा युग्मक। क्या बनेगा? मादा युग्मक, मादा युग्मक। ये नर युग्मक, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक। अगर नर युग्मक की बात करें तो यहाँ पे 46 गुणसूत्र है, तो अगर जब भाग लेते हैं तो इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है, आधा आधा टूट जाएंगे, आधा रखेगा आधा दे देगा, यानी कि 23 यहाँ पे आ जाएंगे और 23 हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर ये हमारा क्या करेंगे? निषेचन की क्रिया करेंगे, तो एक नई संतति बनाएंगे जिसको कहते हैं युग्मनज। युग्मनज हमारा बनेगा, यानी क्या कहते हैं, भ्रूण कोई बनेगा हमारा, नया भ्रूण का निर्माण करेंगे। तो देखेंगे तो इसमें कितने हो जाए? 46। ध्यान दीजिएगा, ये 46, 23 ये दिया, 23 ये दिया, ये 46 युग्मनज बनाया। अगर देखिए इसमें नर में हमारा अलग डीएनए होगा, नर में हमारा अलग डीएनए होगा, मादा में हमारा अलग डीएनए होगा। अगर देखिए इसका डीएनए अलग है, इसका डीएनए अलग है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या इसमें अलग डीएनए रहेंगे ना, तो इन दोनों से इसमें हमारा अलग डीएनए रहेगा, यानी कि इनसे जो संतानें प्राप्त होती हैं वो जनकों से क्या दिखाई देती है? भिन्न दिखाई देती हैं। ये हमारा जो संतान है ये अपने माता पिता से भिन्न दिखाई देगा नहीं, क्योंकि आधा इसमें आधा इसमें। मान लीजिए हम लोग क्या समझते हैं, लाल रंग में लाल धन सफेद, लाल और सफेद मिलाए तो कैसा मिलेगा? गुलाबी बनेगा कि नहीं? गुलाबी बनेगा। तो अगर देखिए लाल को सफेद को मिलाने पे गुलाबी बना, तो मान लो ये जनक है, माता पिता है, ये संतान है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये युग्मनज है और ये नर है, ये मादा है, तो इनसे जो संतान होगी वो अपने जनकों से क्या दिखाई देगी? हमेशा और हमेशा भिन्न ही दिखाई देगी, जैसा कि मैंने ये। तो लैंगिक जनन में देखा जाए तो विभिन्नता पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विभिन्नता पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, अगर आ जाएगा विभिन्नता किसमें पाया जाता है, तो लैंगिक जनन में हमारी विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें हमारे नर और मादा अलग अलग रहते हैं और इन दोनों का डीएनए अलग अलग है, तो जो हमारा भ्रूण बनेगा, संतान बनेगी, युग्मनज बनेगा, उनका भी डीएनए क्या रहेगा? इन दोनों से हट कर ही रहेगा, अलग ही रहेगा। अब हमारा अगला जो आता है वो आता है अनुवांशिकी। क्या आता है? अनुवांशिकी। ये हमारा अनुवांशिकी क्या होती है? तो हमने वंशागति पढ़ा और क्या पढ़ा? विभिन्नता पढ़ा। वंशागति क्या होती है? अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। विभिन्नता क्या होती है? जो जीवधारी होते हैं अपने एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, फिर जीवधारियों के बीच अंतर पाया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। तो वंशागति विभिन्नता का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है, याद रखिएगा। तो वंशागति, वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही अनुवांशिकी कहलाता है। तो वंशागति एवं विभिन्नताओं का जब हम लोग अध्ययन करेंगे उसे ही क्या कहते हैं? अनुवंशिकी कहलाता है। तो अनुवांशिकी क्या होता है? वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही अनुवांशिकी कहलाता है। अब आती है कि अनुवांशिकी की खोज किसने की थी, इनके जनक किसको कहा जाता है? तो अनुवांशिकी के जो जनक होते हैं इनको ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो लिख सकते हैं अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, तो अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगर बात करेंगे इनका जन्म, तो इनका जन्म जर्मनी के
जर्मनी के सिली सिया ग्राम में हुआ था, ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो अगर देखें तो हमारे ग्रेगर जॉन मंडल का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जर्मनी के सिलसिया ग्राम में हुआ था। अब हम बात करेंगे अनुवांशिकी का, इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किस पर किया था, तो अनुवांशिकी का इन्होंने सर्वप्रथम अपना जो प्रयोग किए थे मटर पर किया था, मटर के पौधे पर किया था। और इस मटर का जो नाम है वो है उद्यान मटर, इसी को उद्यान मटर भी कहा जाता है। और इन्होंने अपना प्रयोग लगभग की 7 वर्षों तक की थी, यानी सन 1856 ईस्वी से 1863 ईस्वी तक किया था। तो लिख सकते हैं इन्होंने अपना प्रयोग उद्यान मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक किया था, या फिर 7 सालों, यानी किस सन में, सन 1856 से सन 1863 ईस्वी तक 7 सालों तक किया था। 7 सालों तक क्या किया था, अपना इस पे मटर के पौधे पर अपना जो है प्रयोग किए थे, याद रखिएगा। तो अनुवांशिकी जनक किसको माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म जर्मनी के सिलसिया ग्राम में हुआ था। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो इन्होंने अपना जो प्रयोग किए थे उद्यान मटर पर किया था, किस पे किया था, उद्यान मटर पर। और वो उद्यान मटर कितने सालों तक किए थे, तो इन्होंने अपना जो मटर पे किए थे वो किए थे 7 वर्षों तक, अपना इसी मटर पर अपना जो प्रयोग अपना किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आता है हमारा कि मेंडल द्वारा आखिरकार इस उद्यान मटर को ही क्यों चुना गया, इसके रीजन क्या क्या हैं। तो लिख सकते हैं मेंडल के द्वारा मटर के पौधों को ही प्रयोग के लिए क्यों चुनाव किया गया। एक्चुअली में इनका रीजन क्या था कि जिसके कारण इन्होंने अपना जो है हमारा मटर के पौधे को ही क्यों चुना गया, इसमें क्या खासियत थी। तो इनके निम्नलिखित प्रकार की खासियत थी। पहली खासियत ये थी कि जो ये हमारा मटर का पौधा था, यह हमारा एक वर्षीय पौधा था, कैसा था, यह एक वर्षीय पौधा था। तो मटर का जो चुनाव इसलिए किए थे क्योंकि हमारा यह कैसा था, एक वर्षीय पौधा था। दूसरा हमारा, इसे बगीचों में आसानी से उगाया जा सकता था, इसे बगीचों में आसानी से उगाया जा सकता था। तीसरा हमारा क्या है, इनके लक्षण विप्रयासी रूप उपस्थित थे, यानी कि इसमें विप्रयासी लक्षण उपस्थित थे। अब क्या होते हैं विप्रयासी लक्षण, ये विप्रयासी लक्षण क्या होते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, कुछ मटर के पौधे क्या थे, लंबे थे, तो कुछ मटर के पौधे क्या थे, बौने थे। देखिए, बहुत सारे मटर के पौधे आप लोग देखते हैं लंबे लंबे होते हैं, और बहुत सारे मटर के पौधे कैसे होते हैं, वो बौने होते हैं। बहुत सारे मटर के पौधे जो होते हैं बैगनी कलर के थे, किसके कलर के थे, बैगनी कलर के, जो उनके देखते हैं आप लोग जो फूल लगे रहते हैं बैगनी के रहते हैं, तो बहुत सारे सफ़ेद रंग के उनके हमारे फूल लगे हुए थे। तो ये हमारा क्या था, विप्रयासी लक्षण उपस्थित था। और क्या था हमारा, मटर का पुष्प उभयलिंगी था। ये एक्चुअली में अब उभयलिंगी था। उभयलिंगी का मतलब ये था कि
हमारा पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मटर में ही विद्यमान थे। और हमारा क्या था, पांचवा ये था कि इसमें स्वपरागण और परपरागण की क्रिया हो जाती है। यह स्वपरागण की क्रिया करते हैं, की क्रिया करते हैं, ये स्वपरागण की क्रिया करते हैं। और हमारा क्या था, छठवां में लिख सकते हैं कि मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते थे। जानते हैं जब उन्होंने देखे अगर एक पौधा होता है तो उसमें अनेक बीज होते हैं, तो उसमें अंतर पता करने में क्या हो जाती है, हम लोग को सुविधा हो जाती है। तो इसमें लिख सकते हैं मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते थे। तो उन्होंने इसीलिए मटर के दाने का चुनाव किया था। तो इतना याद रखिएगा, अगले मैं वीडियो में इसके आगे बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे न सुन आया हो आप कमेंट कीजिए, इसका मैं नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। सही वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, इसका 5 वीडियो पहले से बनाया गया है तो उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा कठिनाई होगी समझने में, या और ये सबसे सरल भाषा में है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।